हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y21T एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेट, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फोन पर अगर नोटिफिकेशन आएगा ना तो आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की साउंड क्रिएट होगी लेकिन वाइब्रेट आपका फोन बिल्कुल भी नहीं करेगा जब भी कभी नोटिफिकेशन आएगा तो, ठीक है। ये सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन, इसे सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है, जो सेटिंग का नेम है। यहां पर हम टाइप कर देते हैं वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन, तो आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है ना वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाएगा और सेटिंग को हाईलाइट करेगा इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।